सब्सक्राइब कीजिए देसी टेक्निकल ज्ञान को और इस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी टेक्निकल ज्ञान में। फ्रेंड्स आज जो हमारे पास स्पीकर है इसका मॉडल नंबर है A005। अब इस स्पीकर में फ्रेंड्स कई बार ऑक्स की दिक्कत आ जाती है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि इसमें ऑक्स केबल से स्पीकर नहीं चलता। अगर आप यहाँ पर देखें मूड में तो ऑक्स अगर आप इसे दबाएंगे तो ये ऑक्स मूड पर चला जाएगा, लेकिन अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पर ऑक्स के लिए कोई भी स्लॉट नहीं है जहाँ पर आप ऑक्स केबल लगा सकें। तो फ्रेंड्स इस स्पीकर को ऑक्स केबल से चलाने के लिए आपको एक केबल बनानी पड़ेगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, आप चुटकियों में बना सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इस स्पीकर के लिए ऑक्स केबल बना सकते हैं और आप इसे किसी भी कंप्यूटर से या मोबाइल से इसे चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बट इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल कलर का बटन है, इसे आप दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा बेल आइकन है आप इसे भी दबा लीजिए, जिससे आप देख पाएँ हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट सबसे पहले। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, इसके लिए आपको एक चार्जिंग केबल की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए कुछ इस तरीके की चार्जिंग केबल ले लेनी है, कोई भी घर में ख़राब चार्जिंग केबल पड़ी हो वो ले लेनी है आपने। और उसके बाद एक ऑक्स केबल ले लेनी है, या तो आप ईयरफोन भी ले सकते हैं उससे भी आपका काम चल जाएगा, या फिर एक कोई ऑक्स केबल ले लीजिए आप, कोई भी ख़राब पड़ी हो आपके पास उसे आप ले लीजिए। और इन दोनों को आपको कट करना है, आपको इन दोनों को काट लेना है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए चार्जिंग केबल आपको USB की तरफ से काटनी है, जहाँ पर चार्जर में लगता है USB वहाँ से आप इसे काट लीजिए। और हमारी केबल में देखिए चार तार निकले हैं, हो सकता है किसी केबल में दो तार भी निकले, तो आपको दो ही तारों का यूज़ करना है, बाकी दो तार तो हमारे इसमें भी बेकार ही हैं, चार केबल वाली में भी। तो अब हम आपको ऑक्स केबल भी कट करके दिखा देते हैं। देखिए मैं इस ऑक्स केबल को भी कट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने ऑक्स केबल भी कट कर ली है, और ऑक्स केबल कट करने के बाद कुछ इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पर हमको तीन तारों के लिए जगह दे रखी है, देखिए यहाँ पर हमको तीन तारों के लिए जगह दे रखी है, लेकिन हमारे जो यूज़ में आएंगे फ्रेंड्स वो दो ही तार आएंगे, एक ग्राउंड होगा और एक हमारा मेन तार होगा जो ऑडियो सप्लाई को इस स्पीकर में देगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको केबल बनाने के लिए स्पीकर ऑन कर लेना है, सबसे पहले आपने स्पीकर और उसे ऑक्स मोड पर लेके आ जाना है। देखिए हमारा स्पीकर ऑक्स मोड पर आ गया है, देखिए हमारा स्पीकर ऑक्स मोड पर आ गया है, इसे ऑक्स मोड पर लाकर आप रख दीजिए। और उसके बाद आपको मोबाइल ले लेना है और मोबाइल में सॉन्ग्स प्ले कर देना है फ्रेंड्स। देखिए मैं अपने मोबाइल में सॉन्ग्स प्ले कर देता हूँ। ये सॉन्ग्स प्ले करने के बाद ये जो केबल थी ये जहाँ पर आपका चार्जिंग लगती है वहाँ पर इस केबल को आप लगा दीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से आप इस चार्जिंग केबल को वहाँ पर लगा दीजिए और इस स्पीकर को रख दीजिए। और उसके बाद आपको ये ऑक्स केबल वाली पिन लेनी है। ये देखिए यहाँ पर हमें ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा ग्राउंड है, तो इसमें हमारा जो ग्राउंड है वो ये वाला तार है, आप देख सकते हैं। किसी केबल में ये काला भी हो सकता है फ्रेंड्स, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। तो ग्राउंड वाला तार तो हमें ग्राउंड वाली जगह पर लगाना ही पड़ेगा, बाकी हमें एक तार और देखना पड़ेगा किसमें ऑडियो आती है। तो ये देखिए मैंने ग्राउंड वाला तो लगा ही दिया है ग्राउंड की जगह, बाकी जो हमारे तीन तार बचे हैं हम एक एक करके इसे अपने पिन पर लगा के देखेंगे ऑक्स पिन पर के कहाँ पर हमारी ऑडियो आती है। तो सबसे पहले हम पहला तार लगा लेते हैं, ये देखिए मैं पहला तार लगा के देख लेता हूँ। देखिए हमारी ऑडियो नहीं आई, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब सेकंड वाला ले लेते हैं हम, ये ग्रीन वाला, अब देखते हैं इससे भी ऑडियो हमारी नहीं आ रही। तो अब जो हमारा एक तार बचा है ये वाइट, देखिए इसे लगाते ही देखिए अब स्पीकर बजने लगा। अगर आप ध्यान से देखें मैं इसकी साउंड बढ़ा देता हूँ एक बार, ये देखिए मैं साउंड बढ़ाता हूँ इसके एक बार, ये देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे हमने लगाया ये स्पीकर हमारा बजने लगा है। देखिए तो मैं इसे देखिए स्पीकर बजने लगा हमारा, और मैं तो इसे मैं एक बार सोल्ड कर देता हूँ, इसे सोल्ड करने के बाद तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा स्पीकर बजना स्टार्ट हो गया है, वो भी ऑक्स केबल से। और मैं इसे एक बार चेक करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए देखिए ये इसी मोबाइल से सॉन्ग बज रहे हैं फ्रेंड्स, और ये दो तार हमारे बेकार हैं, इन दो तारों को आप काट के इस ऑक्स केबल पे आप टेपिंग वगैरह कर सकते हैं। देखिए एक बार और बजा करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे ही मैं निकालूंगा सॉन्ग्स बजने बंद हो जाएंगे देखिए। और उसके बाद आप इस पर टेपिंग वगैरह कर सकते हैं, ये दो तार आप काट देना एक्स्ट्रा वाले और इस पर आप टेपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो देखा आपने इसकी ऑक्स केबल बनाना कितना आसान है फ्रेंड्स।
तो हमारी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।